जय श्री कृष्णा इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है इस ग्रहण का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा और आपको उसके अनुसार क्या उपाय करने चाहिए आज हम यही जानने के लिए यहाँ आपके साथ हैं चलिए आपको इस बारे में कुछ भी नया बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ वास्तु शास्त्री हूँ चेहरा भी पढ़ती हूँ आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ चूँकि आपके सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ आपकी राशि अनुसार पढ़ने वाला चंद्र ग्रहण का असर ये होने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा ये एक उप चंद्र ग्रहण होगा इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाले इस चंद्र ग्रहण को हम 130 वर्षों बाद बहुत दुर्लभ चंद्र ग्रहण मान रहे हैं क्योंकि 130 वर्ष बाद ये बुद्ध पूर्णिमा पर लगेगा इस चंद्र ग्रहण को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण माना जा रहा है लेकिन सूर्य ग्रहण के ठीक 20 दिन के बाद इस लगने वाले ग्रहण का प्रभाव बहुत सारी राशियों पर पड़ने वाला है क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको देना चाहती हूँ वैसे तो हमारे पंचांग के अनुसार हम ये मान रहे हैं कि भारतवर्ष में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि भारतवर्ष में दिखेगा नहीं लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार भारतवर्ष के कुछ भागों में ये देखा जा सकता है इसीलिए यहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा ये थोड़ा सा आपस में विवादित है पर चूंकि हमारे देव यानी कि चंद्रदेव को ग्रहण लग रहा है तो हम इस चीज को मान लेते हैं कि अगर हमें उनके लिए कुछ करना है तो हम कर लें भारत के अलावा ये एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा यूरोप में देखा जाएगा अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अटलांटिका यहाँ पर इन्हें देखा जाएगा अगर हम इसके शुरू होने की बात करें तो ये रात को आठ बजकर पैंतालीस मिनट से शुरू होगा और आधी रात यानी कि एक बजकर एक मिनट तक चलेगा चितम काल रात को दस बजे से बावन मिनट से चालू हो जाएगा ग्रहण का असर आपके जीवन पर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की मेष राशि वालों के ऊपर सप्तम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है इसलिए इन्हें अपने दंपत्य जीवन में परेशानी आ सकती हैं मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं और धन हानि से बचने की जरूरत है कुछ बहुत जल्दी आकस्मित इनके साथ चीजें हो सकती हैं जिन्हें इनको ध्यान रखने की जरूरत है ग्रहण के बाद यानी कि अगले दिन अगर ये अपने हाथ से दूध का दान कर देते हैं तो इसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं आएगा राशि इस राशि का स्वामी शुक्र होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं यानी कि इस ग्रहण का आपके ऊपर बहुत अच्छा असर आने वाला है आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं वाद विवाद और मुकदमों से आपको छुटकारा मिल सकता है बस आपको कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लेना है और अपनी लव लाइफ को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना है पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी से पूछकर या आपको किसी के सलाह के साथ ही काम करना है आप ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन अगर अपने हाथ से शिव मंदिर में जाकर दूध और काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पण करते हैं तो जो भी इसका बुरा प्रभाव होगा वो आप पे से हट जाएगा मिथुन राशि इनके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी सेहत और मुकदमेबाजी पर इनको बहुत ज़्यादा जीत हासिल होगी संतान पक्ष से लेकिन समस्या हो सकती है और यात्राओं का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है बड़े बुज़ुर्गों का घर में ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको ग्रहण के बाद अगले दिन गेहूं का दान जरूर कर देना और ये दान आप जाकर गणेश जी के मंदिर में जरूर करिएगा कर्क राशि कर्क राशि वालों को अपनी माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है शिक्षा और करियर को लेकर मेहनत दुगनी करनी पड़ सकती है स्थान परिवर्तन हो सकता है स्त्री को लेकर इन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है किसी फीमेल के द्वारा ये कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हैं कर्क राशि वालों को सफेद कपड़ा अगले दिन जाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है सिंह राशि सिंह राशि के कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावटें परेशानियां आ सकती हैं इनको धन संबंधी समस्याओं में सुधार होते हुए नजर आ सकता है भाई और बहनों के साथ संबंध में इनको ध्यान रखने की विशेष जरूरत है आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने हाथ से पांच बूंदी के लड्डू चढ़ा देने हैं कन्या राशि इनके धन भाव को बहुत ही जबरदस्त हाइक मिलने वाली है मतलब इनके लिए धन लाभ होने वाले हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा धन आगमन होगा परिवार में खुशियाँ आएंगी उधार देने से आपको बचना है या किसी भी चीज़ के लिए आपको कमिटमेंट नहीं देना है किसी व्यक्ति के नाम से आपको कोई भी बात हाँ नहीं कर देनी है कि मैं इसकी तरफ से हाँ कर देता हूँ मैं इसकी जमानत ले लेता हूँ ऐसा आपको नहीं करना है वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं आपके लिए समय वैसे बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर चावल दान कर दीजिए तुला राशि तुला राशि वालों के लिए मानसिक भौतिक रूप से ये समय कमज़ोर रह सकता है सेहत की समस्याएं आ सकती हैं और कुछ दुर्घटनाओं से आपको बचने की जरूरत है किसी भी लिखा पढ़ी के काम में आपको सावधानी रखनी है खास करके वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है नियमित 11 दिन तक आपको पानी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान कर लेना है प्रेम और रिश्तों के मामले में भी आपको अपयश मिल सकता है दिल कहीं से टूट सकता है ब्रेकअप हो सकता है तुला राशि प्लीज़ सतर्क रहिएगा और अपने हाथ से अगले दिन गाय को आप गुड़ और रोटी जरूर खिला दीजिएगा वृश्चिक राशि क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का रहता है इसीलिए इस दौरान मन को स्थिर रखने की बहुत जरूरत है पारिवारिक और आंखों की समस्याएं हो सकती हैं धन संपत्ति में नुकसान हो सकता है वैवाहिक और रिश्तों के मामले में आपको समस्या आ सकती है आपको केसर दान कर देनी है किसी भी मंदिर में जाकर धनु राशि धनु राशि के लिए धन संपत्ति, वैभव सुख देने वाला ये समय रहेगा आपकी स्थितियां मजबूत हो जाएंगी धन धारने में आपकी वृद्धि होगी पैसा और सम्मान बढ़ेगा अचानक से आपको धन लाभ भी भी होगा, फिर आपको अगले दिन जाकर किसी अंधे व्यक्ति को कोई कपड़ा दान कर देना है मकर राशि आपको थोड़ा सा अपने कामों को लेकर सचेत रहना है किसी की बातों में नहीं आना बड़े बड़े वादे नहीं करने बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आपको अपने निर्णयों को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है थोड़ा सावधान रहना है और आपको शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है कुंभ राशि चूँकि आपकी ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके नवे भाग में लगने जा रहा है यानी कि आपके भाग्य स्थान में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है माता पिता की सेहत का ध्यान रखिए दारू जुआ इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर हो जाइए आपके घर में कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए किसी के लिए आप शब्द मत कहिए किसी का बुरा मत चाहिए किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए महत्वपूर्ण कार्य इस काल में आप टालने की कोशिश करिए कम से कम आपको सत्रह मई तक अपने महत्वपूर्ण कार्य टाल देने हैं कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है आपको शनिवार के दिन किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर शहद सिंदूर और एक नारियल चढ़ा कर आना है मीन राशि वाले आपके लिए ये काफ़ी खतरनाक ग्रहण साबित होने वाला है माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना है परिवार के लोगों को लेकर ध्यान रखना है मानसिक कष्ट हो सकते हैं बेवजह लोग आपसे उलझ सकते हैं अच्छे भले चल रहे संबंध आपके खराब हो सकते हैं इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा दिक्कत वाला है इसीलिए आपको नियमित रूप से 21 दिन अपने घर में घी का दीपक लगाकर गणेश जी का पूजन करना है आशा करती हूँ हमारी इस जानकारी से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे और हमारे उपायों से आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर तब तक के लिए राधे कृष्णा सारथी त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात है ज्योतिष शास्त्र में पी एच डी पिछले बाईस वर्षो ज्योतिष की सभी परम्परागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 तो में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है